स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक केमिकल चेंज क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जो केमिकल इक्वेशन हम बनाते हैं, उसको हम बैलेंस किस तरह कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें होंगी रिवाइज करनी होंगी, जैसे कि नाइन्थ में हमने पढ़ा था वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर वैलेंसी के बेसिस पे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी जो बैलेंसिंग है समझना हमें आसान हो जाए। बिकॉज अगर आप कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक बना पाएंगे तभी आगे आप बैलेंसिंग भी प्रॉपरली कर पाएंगे, वरना बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। तो देखते हैं वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंस और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स अ केमिकल कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये एटम कैसा दिखता है किसी भी एलिमेंट का। तो सपोज ये किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, एक जनरल मॉडल है एक एटम का। तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, जैसा कि लिखा हुआ है। न्यूक्लियस में हमें पता होना चाहिए कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज जो एक एटम में होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं और यानी कि कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। तो ये जो शेल्स होते हैं, जैसे इनर मोस्ट शेल जो है वो फर्स्ट शेल है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। सिमिलरली सेकेंड शेल जो है, यानी कि ये शेल जो है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड नहीं कर सकते। इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कराने की है। और थर्ड शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अभी तक हमने सीखा कि जो ये ऑर्बिट्स होते हैं और ये जो शेल्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं, 1, 2, 3, 4, या फिर हम इन्हें K, L, M और N भी कह सकते हैं। अब हमने सीखा कि K की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, उसी तरह L की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है और M की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की। और सिमिलरली फोर्थ की जो है मैक्सिमम कैपेसिटी वो है 32 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2N2। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल। अब अगर हम शेल 1 की बात करें तो N की वैल्यू 1 होगी, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2×1 यानी कि 2, जो कि हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी शेल्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एन विद द नंबर ऑफ शेल। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से वैलेंसी डिसाइड होती है किसी भी एलिमेंट की। हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन की। तो हर एलिमेंट में कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के केस में ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8। तो अब हमें पता है कि इसके एटम में भी 3 शेल्स होंगी, जो कि हैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। ये जो फर्स्ट शेल है इसे हम इनर मोस्ट शेल बोलते हैं और ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। तो अब हम देखते हैं कि इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन के एटम में किस तरह से होता है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो फर्स्ट शेल की वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर देंगे। और जो सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के वो इसमें फिल कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस अभी भी बच जाएगी। तो कोई भी एटम स्टेबिलिटी के लिए या तो अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा या फिर 0 इलेक्ट्रॉन्स कर देगा किसी को इलेक्ट्रॉन्स देके। और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेगा
किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो इस केस में ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इससे वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना। तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना उसके लिए ईजी है एज़ कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। तो हम बोलते हैं कि द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2-, या फिर हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2- से, जिसमें 2- उसकी वैलेंसी है। ये 2- का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किसी भी एलिमेंट से। तो अब हम देखते हैं कि वैलेंसी यूज़ करके हम केमिकल फॉर्मूलाज किस तरह से बना सकते हैं। सपोज कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो Mg होता है और इसकी वैलेंसी 2+ होती है, और सिमिलरली ऑक्सीजन जो होता है इसकी वैलेंसी 2- होती है। तो जब हम इनका कंपाउंड बनाएंगे तो बनेगा MgO। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी MgO। तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हम यूज़ करेंगे जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं यूजिंग वैलेंसीज। और जब हम वैलेंसीज यूज़ करके अपना कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो वो कभी गलत नहीं हो सकता, और उससे हम बैलेंसिंग भी हमेशा ठीक ही करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो है बैरियम सल्फेट। अब इस केस में हमें पता होना चाहिए कि 2 कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें पहला है बैरियम, इसकी वैलेंसी होती है 2+, और दूसरा है सल्फेट आयन, इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, BaSO4। क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 का मल्टीपल है तो ये आपस में हम कह सकते हैं कि बैलेंस हो जाएगी, और BaSO4 विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बैरियम सल्फेट। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। तो हमें पता है कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें से एक एल्यूमिनियम है और दूसरा सल्फेट आयन है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसीज कितनी है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+, और सल्फेट की वैलेंसी तो हमने पिछले एग्जाम्पल में देख ही ली है जो कि होती है 2-। तो जब भी हम इसका केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा Al2SO4 whole thrice, यानी कि कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मूला बनाते वक्त हम वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने इस केस में किया है। यानी कि हमने SO4 की जो वैलेंसी थी वो हमने एल्यूमिनियम के एटम्स में कन्वर्ट कर दी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है Lead-2-Nitrate। अब ये एग्जांपल थोड़ा यूनिक है। अब हमें इसमें दिया है Lead-2-Nitrate। अब इसमें जो ब्रैकेट में 2 है ये रिप्रेजेंट करता है लेड की वैलेंसी। ये एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में। तो हम देखेंगे लेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Pb से, और इस केस में उसकी वैलेंसी हमें दी है 2। तो हम लिखेंगे लेड इज 2+ एंड नाइट्रेट आयन इज NO3 2-। नाइट्रेट आयन की वैलेंसी होती है 2-। तो हम जब इसको वैलेंसीज एक्सचेंज करेंगे तो ये बनेगा PbNO3, बिकॉज इनकी वैलेंसीज आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो ये एक्सचेंज के टाइम कैंसिल हो जाएंगी, या फिर हम इनको यूज नहीं करेंगे और हम लिखेंगे Lead-2-Nitrate विल बी PbNO3। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड। दैट इज पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, आयोडाइड को I से, K+ एंड I-। एक्सचेंजिंग द वैलेंसीज द केमिकल फॉर्मूला दैट वी विल गेट, जो केमिकल फॉर्मूला हमें मिलेगा एक्सचेंज करने के बाद, वो होगा KI, विच इज पोटेशियम आयोडाइड। तो इन कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हमने ये सीखा कि हम केमिकल फॉर्मूलाज ठीक कैसे बना सकते हैं, मतलब करेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म कर सकते हैं। अब इनके यूज़ से हम बैलेंसिंग में कैसे हेल्प लेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और मोस्ट ऑफ ऑल कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नीड क्या होती है, कि हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो बैलेंसिंग की नीड ये होती है कि हमने 9th क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था जो कि था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी स्टडीड इन क्लास 9, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ बैलेंस किया जा सकता है उसको नेचर में। तो सो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। बिकॉज हमें पता है एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है, तो वॉट वी हैव टू डू इज कि दोनों तरफ हमें मास को बैलेंस करना है या नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। बिकॉज जब हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देंगे तो मास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो दिस इज वॉट बैलेंसिंग मीन्स एंड दिस इज वाई वी नीड टू डू बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द नीड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। सो इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू वी चेक इफ इट इज बैलेंस और नॉट, यानी कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो बैलेंस होगी तो उसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ इक्वल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय Zn एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज वी नो इज H2SO4। अब दिस गिव्स अस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम सबसे पहले तो बैलेंसिंग जब भी करते हैं तो वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज स्टार्ट द बैलेंसिंग विद द कंपाउंड विच हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि वी ऑलवेज स्टार्ट, हम सबसे पहले उसी कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा किस में। इस केस में सबसे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो H2SO4 में हैं, जैसे दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का और चार एटम्स ऑक्सीजन के, यानी कि टोटल 7 एटम है इसमें। तो हम इस कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग। तो इस कंपाउंड में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास दो एटम्स हैं यहाँ पे, और हम राइट साइड में देखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ है और उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो राइट साइड में भी हमारे पास हाइड्रोजन के दो ही एटम्स हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन इज बैलेंस इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट एलिमेंट जो इस कंपाउंड में है वो है सल्फर। तो हम सल्फर देखते हैं कि कहाँ है नेक्स्ट। सल्फर जिंक सल्फेट में है, तो यहाँ भी इसका नंबर ऑफ एटम जो है वो 1 है और इस केस में भी नंबर ऑफ एटम 1 है, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर भी ये बैलेंस है। नेक्स्ट एलिमेंट जो इस कंपाउंड में है वो है ऑक्सीजन, और इस केस में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और राइट साइड में भी इसके 4 ही एटम हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हम देखेंगे जो रिमेनिंग एलिमेंट है यानी कि जो जिंक है हमारा, वो बैलेंस है या नहीं। जिंक के भी इस केस में एक ही एटम है, और हम राइट साइड में भी देखेंगे तो जिंक का इसमें एक ही एटम मिलेगा हमें, यानी कि जिंक इज ऑल्सो बैलेंस्ड। यानी कि ओवरऑल ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड नहीं है, तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इक्वेशन वी कैन से इज बैलेंस। ये इक्वेशन जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, इसकी जो बेसिक इक्वेशन ही है वो भी बैलेंस है, तो हमें इसको आगे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं और उससे देखते हैं हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे। बस हमें एक थंब रूल इसमें याद रखना है कि वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट उस कंपाउंड से जिस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास Fe, यानी कि आयरन प्लस H2O, विच गिव्स अस आयरन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी कि आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो हमारा जो थंब रूल है यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमें देखना है कि किस में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो हमें देख के ही पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो इस कंपाउंड में है, यानी कि 7, 3 फ्रॉम आयरन एंड 4 फ्रॉम ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट जो इसमें है वो आयरन है, और इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 3 है, और यहाँ आयरन बैलेंस नहीं है।
तो सबसे पहले स्टेप में ही, सबसे पहले एलिमेंट में ही हमें पता लग गया कि ये बैलेंस नहीं है, तो अब आगे कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि राइट साइड में हमारे पास आयरन के 3 एटम हैं, तो हमें इसके भी 3 एटम बनाने हैं। हम हमेशा कोएफिशिएंट को चेंज करते हैं, यानी कि इस नंबर को चेंज करते हैं। कभी भी एटम्स चेंज करने के लिए यहाँ कोई भी नंबर यूज़ नहीं करते, हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो हमने इस केस में आयरन को बैलेंस कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास। इस केस में ऑक्सीजन के हमारे पास जो एटम्स हैं वो 4 हैं। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं हमारे पास वो 1 है। इसको 4 बनाने के लिए हम वाटर का जो ये कंपाउंड है इसके आगे हम कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन के जो एटम्स हो गए हैं वो नंबर हो गया है 4। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है वो आता है हाइड्रोजन। अब इस केस में राइट हैंड साइड में हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो है 2, बट लेफ्ट हैंड साइड में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हैं 4 × 2, यानी कि 8। अब ये बैलेंस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेंज ना करके हम राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि ये नंबर है, उसको 4 करके इसके एटम्स भी 8 बना देंगे। अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हैं। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। तो बैलेंसिंग में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा थंब रूल है, हमें उसी कंपाउंड को कंसिडर करना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हों, जैसे इस केस में Fe3O4 था या फेरस सल्फेट था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ रिएक्शंस, किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस तरह के रिएक्शंस होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ताकि हम उन रिएक्शंस को समझ पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.